मेरा नाम निर्मला है, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। भूलना मत, निर्मला उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। क्या क्या नाम बताया? निर्मला। खैर, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई ना, तो नाम तो तुम्हारा वैसे भी याद रखूंगी। अरे ये तो वही औरत है जो उस दिन मुझसे सड़क पर टकराई थी। सड़क दुर्घटना में समाज सेविका सुधा की मौत, ये तो होना ही था। अंधों की तरह जो रोड पे भाग रही थी। होल्ड ऑन, सुधा, पर उसने तो मुझे अपना नाम कुछ और बताया था। क्या बताया था? मेरा नाम निर्मला है। हाँ, निर्मला, उसने तो निर्मला बताया था। ये जरूर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सुधा एक हरियाली एनजीओ चलाती थी, उनकी उम्र 30 साल थी। 30 साल, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, ये तो जरूर कोई अपना ब्लंडर लग रहा है। मुझे सच्चाई का पता करना होगा। निर्मला उम्र 55, लेकिन अखबार में तो कुछ और ही लिखा है, उसकी उम्र 30 बताई है। 30, पर यहाँ तो केस उल्टा ही है। ये अपनी उम्र बढ़ा के कह रही, वो भी एक दो साल नहीं, पूरे 25 साल। सर मुझे तो लगता है उसका दिमाग सनक गया था। नहीं नहीं, वो औरत एक एनजीओ चलाती है, पागल नहीं है। वो जरूर तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, पर क्या? निर्मला 55। निर्मला 55। अवंतिका, तुमने बताया वो लेडी बहुत हड़बड़ाहट में थी और बेताशा भाग रही थी। हाँ सर, इवन उसने मेरी कोई हेल्प भी नहीं करी। हो सकता है उसका कोई पीछा कर रहा था। बिल्कुल हो सकता है सर, जिस तरीके से वो इतनी घबराई हुई थी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर ये भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ। इस अखबार में लिखा है कि सुधा जिस ट्रक के नीचे आके मरी थी, उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वंतिका, मुझे दलजीत से बात करनी होगी, शायद उस ट्रक ड्राइवर को सुधा के बारे में कुछ पता हो। जस्ट अ मिनट। हेलो दलजीत, कितने पैसे मिले थे तेरे को सुधा को मारने के लिए, बोल। मैडम मैं सच कर रहा हूँ, मारो। वो औरत अचानक से मेरे सामने आ गई थी, मैं, मेरी कोई गलती नहीं है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ सर, वो ट्रक ड्राइवर निर्दोष है, उसका सुधा से कोई लेने देना नहीं। सुधा आत्महत्या नहीं कर सकता। देखो, अगर उसे आत्महत्या करना होता तो वो निर्मला और उम्र 55 के बारे में नहीं बताती। कि जो आदमी आत्महत्या करने जाता है चुपचाप चला जाता है, किसी से कुछ कहता नहीं। पर सर उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ ही कहा ना? नहीं, झूठ नहीं, दरअसल उसने जो कुछ भी बताया है वो एक कोड है। मतलब? मान लो कि तुम मरने वाली हो और तुम्हें कोई जरूरी इंफॉर्मेशन किसी खास आदमी तक पहुंचानी, तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रही, उस वक्त तुम क्या करोगी? जस्ट टेल मी दैट। यू आर राइट सर, मैं भी वही करूंगी जो सुधा ने किया। मैं वो इंफॉर्मेशन जो आदमी मुझे सबसे पहले मिलेगा उसको दे दूंगी। लेकिन वो गलत आदमी भी तो हो सकता है दलजीत। यू आर राइट सर। देखिए, एक समझदार आदमी जो पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता है उस इंफॉर्मेशन के कोड बनाएगा, जैसा कि सुधा ने किया। शी वॉज ब्रिलियंट। दलजीत, सुधा हमसे कुछ बताना चाहती थी,
वो क्या कहना चाहती थी ये जानना बहुत जरूरी है। के लिए तुम सुधा के एनजीओ पे जाओ और सुधा के बारे में जो कुछ भी पता हो पूरी डिटेल्स पता करके आओ। जाओ। ठीक है सर, मैं अभी पता करती हूँ। अवंतिका जी, तुम उस एड्रेस पे जाके पता करो जिसे सुधा ने अपना पता बताया था। पर सर, आई एम श्योर वो वहां रहती नहीं होगी। आई नो, पर तुम वहां जाके निराश नहीं होगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। ओके सर। पर्यावरण की चिंता कौन करता है आजकल मैडम? जहां देखो वहां कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। उसी से निजात पाने के लिए हमने ये हरियाली एनजीओ की स्थापना की। हम मतलब आप और सुधा जी, हम दोनों पहले साथ ही में काम करते थे, उसके बाद में रितु भी हमारे साथ जुड़ गई। रितु कौन? रितु पीपली पाड़ा लाइब्रेरी, एड्रेस तो यही है पर ये तो लाइब्रेरी है। ये है रितु, शारदा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, फिर भी टाइम निकालकर हमारे एनजीओ के लिए काम करती थी। उसने शहर में बहुत सारे पेड़ लगवाए हैं मैडम। काम करती थी का क्या मतलब? अब उसने एनजीओ छोड़ दिया क्या? नहीं मैडम, मैं अभी फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया था, फिर कहीं से उनकी कोई खबर नहीं मिली। सुधा जी भी उनको लेकर बहुत परेशान, बहुत अपसेट रहती थी। फिर अचानक से उनका भी एक्सीडेंट हो गया। अब मैं अकेला यहाँ इतनी बड़ी एनजीओ को कैसे चलाऊं? अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ मैडम। हाय, यहाँ कोई निर्मला रहती है क्या? ये लाइब्रेरी है, यहाँ लोग रहते नहीं हैं, किताबें पढ़ने आते हैं। या राइट, ऑफ कोर्स मुझे पता है यहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप किसी सुधा या निर्मला को जानती हैं? निर्मला का तो पता नहीं, हाँ सुधा को जानती हूँ। सुधा का दूसरा नाम निर्मला है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, यूं ही एक्चुअली हमें पता चला है कि सुधा के पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आपको कुछ पता है उस बारे में? मैडम, सुधा जी की जान तो पेड़ पौधों में बसती थी, उनके पास उसके अलावा इससे ज्यादा जानकारी और क्या हो सकती है? वो हमारे लाइब्रेरी के लाइफ टाइम मेंबर है। लेकिन आप उन्हें क्यों खोज रही है? आपको भी अपने घर में प्लांटेशन करवानी है क्या? एक्चुअली सुधा का एक्सीडेंट हो गया था एंड शी इज डेड नाउ। मरने से पहले उसने अपना नाम निर्मला बताया था। अच्छा, ये तस्वीर मैं रख सकती हूँ? रख लीजिए मैडम, वैसे भी अब इस हरियाली एनजीओ को ताला लगाने का वक्त आ चुका है। जी, उनका नाम सुधा ही था। अंतिम बार उन्होंने एक नॉवेल इशू कराया था जिसका नाम निर्मला था। इसका मतलब निर्मला सुधा का नहीं बल्कि किसी बुक का नाम है। जी, आप प्लीज मुझे वो बुक दे सकती हैं? हाँ।
सुधा ने तुमसे भागते भागते क्या क्या याद रखने के लिए कहा था? जस्ट रिकलेक्ट। भूलना मत निर्मला, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपली पाड़ा में रहती हूँ। पीपली पाड़ा 23 मेरा पता, पर सर ये तो मैं पहले भी कई बार दोहरा चुकी हूँ, इससे क्या? सुधा ने अपना नाम निर्मला बताया था, जो कि इस किताब का नाम है। उसने लाइब्रेरी का एड्रेस दिया था, 23 नंबर पिपली वाला, और फिर उसने अपनी उम्र कितनी बताई थी, 55। हाँ। यानी पेज नंबर 55, ये देखो। और इसमें जो हाईलाइट है ये मार्कर, यू नो। पर सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये जरूर कहीं का एड्रेस है। तुम जरा ये नोट डाउन करो प्लीज। हाँ। मैं बोलता हूँ, सुनो। सू र या या हाँ रो मो ते ते एक ही मात्रा ते दो दो नहीं दो के नीचे बिंदी उड़ा नौ एक एक चार चार एक चार सर, सूर्य फार्म पेड़ नंबर 14। हमें पेड़ नंबर 14 पे पहुंचना है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। ठीक। सर इधर आइए। सर ये रहा पेड़ नंबर 14। हाँ 14 है क्या? पर सर इस पेड़ के आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। एक मिनट, कुछ तो बात होगी। हाँ एक कील है यहाँ। कील? बस... अवंतिका जी, सी समथिंग इज देयर। ये तो किसी लड़की की फोटो है। लड़की का फोटो? लेकिन सर सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये पहेली है। Like and subscribe our DigiTube.